बस वापिस आएंगे। और आज की एक और महत्वपूर्ण और बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम आवास पर आज से फिर से लगेगा जनता दरबार। आज सुबह 9 बजे से होगी जन सुनवाई। हर सोमवार को राज्य मंत्री अजीत पाल करेंगे सुनवाई और मंगलवार को राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख सुनवाई करेंगे। अनिल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल, योगी सरकार 2.0 में पहला जनता दरबार आज सीएम आवास पर लगेगा। बिल्कुल, पिछली सरकार ने भी जनता दरबार चलता था, लाखों लोगों को यहां से मदद मिली है और उसी की तर्ज पर जनता दरबार फिर शुरू हो रहा है। दो मंत्री प्रत्येक मंगलवार को मंत्री बलदेव सिंह औलख यहां पर मौजूद रहेंगे और उसके अलावा सोमवार को राज्य मंत्री अजीत पाल। यानी सोमवार मंगलवार दो दिन ये जनता दरबार लगेगा और प्रदेश के दूर दूर के इलाकों से लोग आकर अपनी जो शिकायत है और जो भी मदद की दरकार है वो यहाँ पर कर सकेंगे और सुनवाई होती है। यही वजह है कि यहाँ पर भीड़ बहुत लगती है और पहला दिन है तो निश्चित ही भारी भीड़ उमड़ने की यहाँ पर आज पूरी संभावना है। अनिल, मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश भी सभी जिलों के अधिकारियों को दिए गए हैं कि जो पेंडिंग मामले हैं उनकी जल्द से जल्द सुनवाई करें, उनका निपटारा करें और अगर आपकी सुनवाई अधिकारी नहीं करते हैं तो उनकी शिकायत लेकर आप जनता दरबार में आइए, उन अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई होगी। बिल्कुल, ये इसका मकसद ही यही है। पहले मुख्यमंत्री का निर्देश है कि जिले स्तर पर डीएम और एसपी के स्तर पर सारी कार्रवाई हो जानी चाहिए, लोगों को लखनऊ आने की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन अगर वहां पर भी सुनवाई नहीं हो रही तो लोग लखनऊ आकर अपनी शिकायत या मदद की दरकार करते हैं और ऐसे में जो अधिकारी सुनवाई नहीं करते हैं अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती है। तो अगर किसी जिले से कोई व्यक्ति यहाँ लखनऊ आता है तो जानिए उस अधिकारी की शामत है कि उसने उस जिले में पीड़ित को इंसाफ नहीं दिया है। तो निश्चित ही अधिकारियों में भी खौफ रहता है जनता दरबार को लेकर कि लोग दिल्ली चले लखनऊ चले जाएंगे और वहां जाकर शिकायत करेंगे। इसलिए पहली मुख्यमंत्री की पहली ही निर्देश है जिले के अंदर ही सभी शिकायतों का निवारण हो और जिले में अगर इंसाफ नहीं मिलता तो लोग लखनऊ आते हैं और जब मुख्यमंत्री तक बात पहुंचती तो निश्चित ही एक तरफ जहां मदद होती है वहीं दूसरे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी होती है। ठीक है, बिल्कुल अनिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी के लिए। तो आज से योगी सरकार 2.0 का पहला जनता दरबार लखनऊ में सीएम आवास पर लगेगा जिसमें लोगों की जन सुनवाई की जाएगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर आपको बता दें, पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज फिर से इजाफा हुआ है। पेट्रोल के दाम में 40 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है, वहीं डीजल के दाम में 41 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 103.81 रुपए प्रति लीटर पहुंच गए हैं, वहीं दिल्ली में डीजल का भाव 95.07 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। तो लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है। महंगाई की मार एक बार फिर से जनता पर पड़ती हुई दिखाई दे रही है। नई पेट्रोल की कीमतों की अगर बात की जाए दिल्ली में 103 रुपए के पार, वहीं डीजल के भाव की अगर बात की जाए तो दिल्ली में 95.07 रुपए प्रति लीटर डीजल की कीमत पहुंच गई है। डीजल के दाम में 41 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है, वहीं पेट्रोल के दाम में 44 पैसे प्रति लीटर का इजाफा देखने को मिला है। राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है, बढ़ती महंगाई के बीच में योगी सरकार इसी महीने 16 लाख राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने की तैयारी में है और इसको लेकर वित्त विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इससे यूपी के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत मिल सकती है। अप्रैल का वेतन जो मई में मिलेगा उसके साथ ही डीए और डीआर का भुगतान हो सकता है। और बता दें कि राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को अभी 31% की दर से डीए और डीआर का भुगतान किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के 4 जिलों के बाद अब गाजियाबाद में भी जल्द पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हो सकती है। गाजियाबाद की बिगड़ती कानून व्यवस्था को देखते हुए सीएम योगी ने हाई लेवल बैठक की। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि अब 12 अप्रैल को कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने का ऐलान किया जा सकता है। राजधानी लखनऊ, नोएडा, कानपुर और वाराणसी जिले में पहले से ही कमिश्नरी सिस्टम लागू है। वहीं अब योगी सरकार कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अन्य बड़े शहरों में भी पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू करने पर विचार कर रही है ताकि अपराध पर लग